आज़ाद कश्मीर में नाम नहीं लूंगा, लोग बात करते हैं या कई और बयान दे देते हैं कि जनाब जहाद कश्मीर में शुरू कर दें हम, और या पाकिस्तानी फौज चली जाए कश्मीर में, या हमें हथियार उठाने चाहिए। बड़ी गौर से मेरी बात सुन लें, जो ये बात कर रहे हैं वो कश्मीरियों से भी दुश्मनी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से भी दुश्मनी कर रहे हैं। कुरान कहता है वमालकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया तुम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करते, तुम्हें क्या हो गया अल्लाह की राह में जंग क्यों नहीं करते हो। आज का मेरा असल मकसद कश्मीर के लोगों को पैगाम देना है कि सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, हमारे चारों सूबे, हमारी जितनी भी अकलियतें हैं, हिंदू, मसीह बरादरी, सिख, जितने हमारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, सब आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आप आपके साथ खड़े रहेंगे। एक घिसा पिटा जुमला जब से होश संभाली ये सुन रहे हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े, हम कश्मीर के साथ खड़े, तो क्या फायदा हुआ तुम्हारा खड़े होने का? उनकी बेटियां तो लुट रही हैं, उनके घर तो उजड़ रहे हैं, उनके जवान तो चीर दिए जाते हैं, वो 70 साल से लड़ रहे हैं और हम उनके साथ खड़े। अब वो वक्त आ गया है कि हमें कश्मीर की मदद के लिए अमलन खड़ा होना पड़ेगा। अमलन खुद बड़े बड़े लीडर्स जो कि मगरबी लीडर्स, प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मनी के चांसलर, जिस जिस से मैं मिला हूं मैंने सबको बताया कि कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर किस तरह का जुल्म हो रहा है। आज सबको पता चल गया है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो मैंने तकरीर की उससे सब समझ बैठे हैं कि क्या सिचुएशन है कश्मीर में। और मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हर तरह, ये पाकिस्तान आपकी हर फोरम के ऊपर आपकी सपोर्ट करेगा। और फिर पाकिस्तान की बात आए तो मुझे माफ कीजिएगा, हम भी सलामती काउंसिल की तरफ देखते हैं और एक इजलास हमारी तस्कीन के लिए काफी हो जाता है कि सलामती काउंसिल ने इतने अरसे के बाद एक इजलास बुला लिया। क्या हुआ उस इजलास में? क्या रिश्ते हुए जख्म, उन जख्मों से बहता हुआ खून बंद हो गया? क्या जालिम के हाथ से शमशीर छीन ली गई? क्या वो बंदूक जो जवान का कलेजा चीर देती है उसको जालिम के हाथों से छीन लिया गया उस करारदाद के जरिए से? क्या फायदा हुआ हमें उस करारदाद से? एक ये भीख नहीं आजादी है, मिलती है भला मांगे से कहीं? तासीर दिखा तकदीर न कर, एक ही बात है, या जोर से आ कश्मीर छुड़ा या आरजुए कश्मीर ना।